एक दौर था जब बी टाउन की सबसे हॉट ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी लोगों के दिलों पर राज करती थी। इन दोनों की प्रेम कहानी हर किसी के जुबान पर हुआ करती थी। इनकी लव स्टोरी की वजह से कई बार विवाद भी सामने आए। रेखा ने कई बार बिग बी से प्यार का इजहार करने को सोचा, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने चुप्पी साध ली। अमिताभ बच्चन तो जया से शादी कर एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन रेखा की जिंदगी आज भी तन्हाइयों में कट रही है। रेखा आज तक अमिताभ बच्चन को भुलाने में नाकामयाब रही है। जब भी मौका मिलता है वह बिग बी की तारीफ करने से नहीं चूकती है। दशकों बाद भी आज उनके रिश्ते अभी भी मीडिया के लिए अनसुलझी गुत्थी बनी हुई है। यहाँ हम आपको रेखा और अमिताभ से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें बताने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वर्षों बीत गए और कई पीढ़ियां अमिताभ बच्चन और रेखा के फिल्मी गानों को सुनकर बड़े हो गए हैं। कहा जाता है कि जब रेखा और अमिताभ के बीच प्रेम की चिंगारी धधक रही थी, उसी बीच 22 जनवरी 1980 को रेखा बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार आरशी कपूर की पत्नी और अपने करीबी दोस्त नीतू सिंह की शादी में सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र भी पहनकर पहुंची तो मीडिया में हड़कंप मच गया। हालांकि कई अफवाहों के बाद रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया था, उस शाम वो सीधे शूटिंग के सेट से कार्यक्रम में पहुंची थीं। सिंदूर और मंगलसूत्र उनके किरदार का हिस्सा था और वो उसे उतारना भूल गईं। वहीं एक अवार्ड फंक्शन के दौरान रेखा ने कहा था कि वो जिस शहर से हैं वहां सिंदूर लगाना फैशन का हिस्सा है। तो आइए आपको बताते हैं कि मीडिया में सनसनी बने इस कपल के बीच आखिरकार जया बच्चन की एंट्री कैसे हुई और इस बारे में रेखा का क्या कहना है। 1984 में फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने अपने और अमिताभ बच्चन के रिलेशनशिप पर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि किसी को इसकी फिक्र नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो दूसरी औरत हूँ ना। उन्होंने जया पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा कि दूसरा इंसान तो सबकी नजर में बेचारा बना हुआ है। कोई ऐसे शख्स के साथ एक छत के नीच कैसे रह सकता है जब वह जानता है कि वह दूसरे से प्यार करता है, रेखा ने इंटरव्यू में कहा था। सोचिए, मैं उस शख्स को नहीं बता पाई कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। मैं ये महसूस नहीं कर पाई कि उस शख्स पर क्या बीत रही है, रेखा ने इंटरव्यू में आगे कहा। ये एहसास सबसे बुरा था। मौत भी इतनी बुरी नहीं होती होगी, मुझे मौत मंजूर थी पर बेबसी का ये एहसास कतई मंजूर नहीं था। रेखा ने इसी इंटरव्यू में ये भी कहा था कि अमिताभ बच्चन के 10 अफेयर रहे हैं। रेखा ने आगे कहा था कि हमारे बीच प्यार है, सो है, कोई इसके बारे में क्या सोचता है मुझे उसकी परवाह नहीं है। उन्होंने अपनी इमेज, परिवार, बच्चों की रक्षा के लिए ऐसा किया जो बहुत अच्छी बात है। पब्लिक इस बारे में क्या सोचती है उसकी उनको परवाह नहीं है। सिमी गिरेवाल ने शो में रेखा से उनके जया बच्चन और अमिताभ को लेकर सवाल किए तो उन्होंने हर सवाल का जवाब काफी बेबाकी से दिया। अपने शो में सिमी ने रेखा से उनके और जया बच्चन के रिश्ते के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि एक महिला होने के नाते जया कोई बेचारी और इनसिक्योर हैं। रेखा के इस जवाब पर सिमी ने कहा, हाँ, एक महिला तभी सुरक्षित महसूस करती है जब उसका पति उसे सुरक्षित महसूस कराता है। इस सवाल से सिमी का इशारा अमिताभ और जया के रिश्ते को लेकर था। इसके जवाब में रेखा ने कहा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। वहीं अपने और अमिताभ के रिश्ते पर रेखा ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, मैं उन्हें अपने लिए प्यार करती हूँ, किसी को दिखाने के लिए नहीं, मैं उनसे प्यार करती हूँ और वो मुझसे। लोग बोलते हैं कि बेचारी रेखा पागल है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है। रेखा को सिमी ग्रेवाल ने पूछा था कि क्या वे अब भी अमिताभ को चाहती हैं, तब रेखा ने कहा था, उन्हें कौन नहीं चाहता। सिमी ग्रेवाल ने रेखा को हर तरह से इस सवाल को पूछा, लेकिन रेखा अपने बयान से नहीं हटी। उन्होंने यही कहा कि अमिताभ को कौन नहीं चाहता ये बताओ। जब रेखा जया के यहाँ पहुँची तो उन्होंने रेखा को अच्छा खाना खिलाया, घर की डेकोरेशन की बात की और अमिताभ का नाम भी बीच में नहीं आया। लेकिन रेखा जब वापस जा रही थी तब जया ने उनसे सिर्फ एक बात कही जो रेखा को सन्न कर गई। जया ने रेखा से कहा, मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी, और रेखा समझ गई कि वे अमित की कभी नहीं हो पाएंगी। रेखा ने 1990 में अपनी शादी के फैसले से सबको दंग कर दिया था। उन्होंने दिल्ली के व्यापारी मुकेश अग्रवाल से शादी की। शादी के एक साल बाद ही उनके पति ने खुदकुशी कर ली और रेखा फिर अकेली रह गई। 2008 में एक बार फिर रेखा ने सबको हैरान कर दिया जब वे एक अवार्ड समारोह में सिंदूर लगाकर पहुंच गई थीं। 2009 के समारोह में अमिताभ भी पहुंचे थे।
लेकिन वे रेखा से नजरें चुराते भी दिखे थे। रेखा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जैसे पूरा देश अमिताभ से प्यार करता है, वैसे ही वे भी करती हैं। फिलहाल इन दो बड़े सितारों की अधूरी प्रेम कहानी भले ही पूरी न हो पाई हो और आर दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हों, लेकिन रेखा के मन में अभी भी शायद कहीं न कहीं अमिताभ ही बसते हैं। वहीं अमिताभ, जया बच्चन और अपने पूरे परिवार के साथ बहुत खुश हैं। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताना न भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही हमारे लिए कोई सलाह है तो जरूर दें।